महाअवतार बाबा जी का स्मृति भवन। तो यहाँ पे एक हमारे यात्री भी हैं, उनसे पूछते हैं अनुभव महाअवतार बाबा जी का। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका नाम जान सकते हैं हम? जी, मेरा नाम रतिन चक्रवर्ती है, मैं लखनऊ से आया हूँ। अरे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले महाअवतार बाबा जी के केव के दर्शन किए और बड़ा ही अलग ही अनुभूति हुई है। और मैं आप लोग सभी से, जो भी सुन रहे हैं और आपके द्वारा, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जरूर आए और इस बार इनका महाअवतार बाबा जी की केव के दर्शन करें और एक अलग ही आनंद का अनुभव और एक अलग ही मानसिक शांति का अनुभव करें। तो भाई साहब, आपको बाबा जी के बारे में कैसे पता चला? आपने पढ़ाई की या किसी के माध्यम से आपने सुना? मैंने क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था, तो उसके थ्रू मेरे को पता चला महाअवतार बाबा जी के केव के बारे में। और बस उसी के बाद से मेरा एकदम मन वो होने लगा। मैं मात्र अभी एक ही महीने पहले मैंने पढ़ी थी और मैं एक महीने के अंदर ही आ गया। मैंने कहा ठंड हो चाहे कुछ हो, मैं दर्शन जरूर करूँगा। तो दर्शन करके मैं नीचे उतरा हूँ, अभी सत्संग आश्रम में थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। तो गुफा में आपने ध्यान किया होगा? जी, थोड़ी देर तो ध्यान। कैसी रही आपकी अनुभूति? जी, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वैसे अलग ही अनुभूति। और मतलब मैं क्या शब्द इसके लिए, वह शब्द नहीं है। आप लोग आए और उसको अनुभव करें तभी इसका अनुभव हो पाएगा। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो भाई साहब ने जैसे बताया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीज, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब है, उसका अध्ययन अवश्य करें। और हिमालय के जितने भी मास्टर्स हैं उनके बारे में और महाअवतार बाबा जी के बारे में उसमें बताया गया है। और देखिए, ये था लोगों का अनुभव, और शांति अवश्य मिलेगी यहाँ पे अगर आप आएंगे। और साधना के पथ में जो चल रहा है वो भी आएगा, तो उनकी भी आध्यात्मिक ग्रोथ होना निश्चित है। क्योंकि ऐसे दिव्य संत जो हिमालयों में हैं, महाअवतार बाबा जी तो कहते हैं कि हजारों सालों से अभी भी शरीर में हैं, और तो उनका आशीर्वाद लेके आपका आध्यात्मिक पथ और सरल हो जाता है, और ये कह सकते हैं कि दिव्य हो जाता है।